आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलमुंडा क्लिपर की केयर और उस पर ज़्यादा फ्लोर्स कैसे पा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एलमुंडा क्लिपर की जो वाइन है, इस पर जो फ्लोवर है उसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है, और जो इसकी ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ हो रही है। इस पर न्यू शूट्स बन रही है, और साथ ही साथ जो इस पर जो फ्लोवर्स हैं वो खिले हुए हैं। आपको ऊपर से दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये जो अपनी एलमुंडा क्लिपर की जो वाइन है, तो इसका जो प्राइस है वो मुझे 80 रुपीज़ में मिला था। तो मेरे पास दूसरी एलमुंडा भी है, उस पर जो येलो कलर के फूल आते हैं, और ये जो एलमुंडा है ये इसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है, और जो इसका जो फ्लोवर है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है उससे, और ये बंचेस में फ्लोवर देता है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भरा हुआ है मेरा पौधा ये। और साथ ही साथ जो इसमें जो कलियाँ हैं वो जल्दी से जल्दी बनती है, और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। मैंने इसे बड़े पोट में लगाया हुआ है, ये बहुत बड़ा पोट है, और इसी में मैंने मेरा और भी बहुत से प्लांट इसी पोट में लगाए हुए हैं। नॉर्मल जो अपना पोट होता है उसका साइज़ ये है, और लेकिन ये जो पोट है ये उससे डबल है। तो इसमें इसकी रूट्स की जो ग्रोथ है वो हेल्दी और अच्छी होगी, और इसकी जो पोटिंग मीडिया है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल वेल ड्रेन है। लगातार 3 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन जो इसमें जो पानी है वो इकट्ठा नहीं होता है, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्दी है। और इसका जो स्टार्टअप में जो फ्लोवर खिलता है उसमें हल्का सा पिंक कलर है आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, और अंदर से हल्का सा येलो शेड है। और इसका जो प्रोपगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है, इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो इस साइज़ की जो पेंसिल साइज़ की जो कटिंग है, इन्हें लेकर हम आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं, और अब जो रेनी सीज़न चल रहा है तो इसकी जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो जाएगी, और बिल्कुल 100% जो आपको रिज़ल्ट वो भी मिलेगा। और इस पर ज़्यादा फ्लोर पाना चाहते हैं तो आप इस पर NPK का एक बार ज़रूर छिड़काव कर दीजिए। वैसे तो बारिश में ज़रूरत नहीं है किसी भी फर्टिलाइज़र की, सभी जो प्लांट्स हैं वो अपनी हेल्दी ग्रोथ करते हैं, और सभी जो फ्लोवर को प्रोड्यूस करते हैं। और लेकिन अगर आप ज़्यादा जल्दी फ्लोवर्स चाहते हैं तो NPK का छिड़काव कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इसकी जो सॉइल मिक्स है उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, और वाटर है उसे बिल्कुल कम दीजिए, क्योंकि जो क्लिपर है ये ज़्यादा फैलती है ना कि ज़्यादा लंबी बढ़ती है। तो अगर आप इसे छोटा ही रखना चाहते हैं तो रेगुलर टाइम पर इसकी प्रूनिंग भी करती रहिए, ताकि इस पर जो फ्लोवर्स हैं वो बढ़ें। इसके जो फ्लोवर्स हैं उसका साइज़ देख लीजिए आप, बिल्कुल हेल्दी जो क्लिपर है ये, और इसमें जो ऊपर से जो लीव्स है उनकी शाइनिस भी देख सकते हैं आप, कितनी अच्छे से शाइन कर रही है, बिल्कुल कलर इसका ग्रीन है। इसका फ्लोवर का साइज़ भी देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा फ्लोवर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।